Why people are not getting success, ठीक है, ये चीज मोड़ी मुझे पिंच करती रही कि यार क्यों क्यों ये नहीं हो रहा नहीं? तो जो उसके बाद मैं जो ऑफिस में शिफ्ट हुआ और सारी चीजों को रियलाइज हुआ, तो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम जो फील हुआ और जो मैंने रियलाइज की, नो रोड मैप। फाउंडर ऑफ इंटरनेट बिजनेस टीम्स, मोहम्मद यूसुफ सईद। ठीक, मतलब ये कि आप सारे को नजर, लेट्स सपोज एसईओ की एग्जांपल हो, तो आपके इर्द गिर्द सारी दुनिया एसईओ कर रही है, आप भी एसईओ कर रहे हो, व्हाई? ओ भाई क्यों? वो भी पैसे कमा रहा है, ओ भाई वो तो सर्विस सेल कर रहा है, तुम किस लिए एसईओ कर रहे हो? ठीक, अच्छा एडसेंस, सारी दुनिया एडसेंस के ऊपर, सारी दुनिया सीपीए के ऊपर, ओ भाई क्यों, व्हाई? पैसे तो सबने कमा रहे, बट व्हाई, व्हाई? ये जब वाई वाई मैंने शुरू कर दी ना, तो उसके बाद काफी रियलाइजेशन। और ये जो मैंने लास्ट प्रोग्राम किया बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर हमने 4-5-6 वेबिनार्स किए, जिसके अंदर मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि यार मैं पहले टटोलूं, आपको हेल्प आउट करूं कि यार तुम हो किस लेवल पे और कहां पे बैठे हो और तुम्हारे लिए क्या इफेक्टिव है। और वहां पे जब मैंने ये प्रोसेस किया और रोड मैप, तो वहां पे बहुत अच्छी मुझे रियलाइजेशन हुई और सारे प्रोसेस के अंदर काफी मेंबर्स को भी हेल्प आउट हुआ। और उसके बाद मैंने चीजें डिसाइड कर ली कि यार दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि मैं लोगों को अगर ये हेल्प आउट कर दूं, बता दूं कि भाई अगर मैं आज आपको ये बता देता हूं, सेशन के अंदर आपको ये पता चल जाता है कि ऑनलाइन फील्ड आपके लिए नहीं है, क्या आपके लिए नहीं है, राइट? और आप पता चल जाता है, रियलाइज हो जाता है, तो आपका कितना कुछ सेव होगा, टाइम सेव होगा, पैसे सेव होंगे, ठीक है, आप जो जॉब छोड़ने लगे थे वो आओगी, या जॉब जो नहीं कर रहे थे वो जॉब करेंगे, अपना कैरियर बनाएंगे। ऑनलाइन के अलावा भी दुनिया सक्सेसफुल बैठी हुई है, राइट, सिर्फ ऑनलाइन में ही सक्सेस बैठी हुई, राइट? तो ये काफी चीजें करने के बाद ये जो है ना रोड मैप तक मैं पहुंचा हूं। और अब रोड मैप के ऊपर मैं फोकस है कि यार मैं लोगों को दुनिया दिखा सकूं ऑनलाइन के अंदर कौन कौन से लीगल एथिकल जेन्युइन बिजनेसेस हैं, किस तरीके से वो होते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके नुकसान आते हैं। जब आपको ये पता होगा कि ब्लॉगिंग के आगे भी कोई दुनिया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी एक दुनिया है, क्या उसके अंदर आपको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, आप कोई सॉफ्टवेयर बाय भी कर सकते हो, $100 में भी सॉफ्टवेयर प्लगइन बना सकते हो जिससे आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, आप सर्विसेज भी किस तरह की दे सकते हो, आप फाइवर पे भी काम कर सकते हो और उसके साथ आप ब्लॉगिंग पे भी काम कर सकते हो, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, और ये सारी चीजें जो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अपना स्टार्टअप भी रन कर सकते हो, वीडियो मार्केटिंग में भी जा सकते हो, लेकिन जब सारा रोड मैप बनाओ, तो जब ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके साथ साथ करूंगा और आप उसके असाइनमेंट्स करोगे, तो आपको पता चल जाएगा पहला रोड मैप का कॉन्सेप्ट, ये जो हमने पहले तो 12 मंथ का था लेकिन हमने 3 मंथ में इसको किया, जिसके अंदर हर वीक हम नए रोड मैप के ऊपर डिटेल में बनाएंगे, वर्कआउट करेंगे और आप वो रोड मैप बनाओगे। इसलिए नहीं कि यार ये पता नहीं मैं करूंगा या नहीं करूंगा, हम ये ट्रीट करेंगे ये रोड मैप आपने करना है, ठीक, और वो आप बनाओगे क्योंकि उस पर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं आ रही होगी। वो 12 रोड मैप जब बन जाएंगे, आप 12 प्रोसेस से गुजर जाओगे, 12 बिजनेसेस को देख लोगे, अब आपको समझ आएगी कि यार ये वाला बिजनेस टाइम मांगता है, ये वाला बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, ये वाला बिजनेस मैं कर सकता हूँ, ये वाला बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, राइट? फिर आप उसके जब रोड मैप बना होगा, रास्ता साफ होगा, अब आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है, और फिर ऐसा ऐसा आपको उसके अंदर सक्सेस और चीजें नजर आना शुरू। कॉन्टेंट तब तक फायदा नहीं देगा जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जाए जो लर्निंग की है उसको इम्प्लीमेंट करें एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स।